بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربي هب لي من لدنك ذرية طيب إنك سميع الدعاء اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب العالمين يا رب العالمين हमें अपने इस दिन के अजाब से बचा ले जिस दिन तू अपने बंदों को उठा खड़ा करेगा। या अरहमुर राहिमीन, तेरी रहमतों के ख़ास नज़ूल का महीना हम पर साया फगन है। आज फिर तेरे फजल से अल्हम्दुलिल्लाह हमें लैलतुल क़द्र की दूसरी रात नसीब होने जा रही है। सुभानअल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही, अल्लाह तमाम तर अज़मत और बड़ाई तेरे लिए ही है। तेरे हम जितने भी शुक्र करें कम है कि तूने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर ये फजीलत वाली रात अता फरमाई। अल्लाह हमारे इस खैर के वक्त में बरकत कसीर अता कर। या अरहमुर राहिमीन, तेरे नाम के साथ हम तुझ पर तवक्कुल करते हैं। तेरी मदद के बग़ैर नेकी करने की और गुनाह से बचने की ताकत नहीं है। अल्लाह हमें हिम्मत ताकत दे कि हम फ़राइज़ की अदायगी के साथ साथ नवाफिल का भी एहतमाम करें और हमें तहज्जुद की जिसमें तेरी रहमतों की बारिश हो रही होती है, हमें तेरा खुर्ब नसीब हो और हम तेरी रहमतों के साए में हों। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, बचा ले हमें तमाम मखलूक़ात के शर से कि तू ही बचा सकता है। हम मुकम्मल तौर पर बेबस है, किसी चीज़ पर हमारा इख्तियार नहीं। इख्तियार कुल का मालिक तू ही है, तू जो चाहे कर सकता है। अल्लाह इस रास्ते पर चलने में हमारी मदद कर जो तेरी तरफ आता है, हमें भटकने से महफूज रख। अल्लाह शैतान का कोई वार हम पर ना चले, वो बुरी तरह नाकाम हो जाए। अल्लाह हमें हमारे अजवाज को, हमारी नस्लों तक को हर किस्म के शर और फसाद से महफूज रख। अल्लाह कुल उम्मत मुस्लिमा को अपनी रहमतों और हिफाजत के मजबूत हसार में ले ले। जो भी किसी भी तरह की मुश्किल में गिरफ्तार है, अल्लाह मुश्किल से निकाल कर आफियत नसीब कर। या अरहमुर राहिमीन, हमें खयामुल लैल और सायमुन नहर बना दे। या अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम, हमारी सारी दुआओं को जो हमारे हक़ में बेहतरीन है, इन्हें अपनी बारगाह में मकबूल व मंजूर फरमा ले। जो दुआएं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए मांगी हैं, वो सारी की सारी दुआएं हमारे लिए मकबूल फरमा ले। और जिनसे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है, हमें भी इनसे पनाह दे दे अपने खुसूसी फजल व करम से। अल्लाहुम्मा अग़फिर ली वाली वालिदैया वलिल मोमिनीना वल मोमिनात वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात। अल्लाह मुझ समेत जितने हाथ इस रमज़ान तेरे आगे दुआ के लिए उठे हैं, या अल्लाह किसी को भी खाली ना लौटाना। अल्लाह हमारा तेरे सिवा कोई नहीं। या अल्लाह हमने आज तक तेरे सिवा किसी को सजदा नहीं किया। अल्लाह हम तुझे मानते हैं और तुझ ही से मांगते हैं। अल्लाह हमारी इस तौहीद का मान रखना। अल्लाह बड़े मान से तेरे आगे सारा महीना हाथ उठाए हैं। मेरे मालिक, तुझे तेरी रहमत का वास्ता, किसी को खाली ना लौटाना। अल्लाह तुझे तेरे सब नामों का वास्ता। अल्लाह तुझे तेरे खालिक होने का वास्ता। अल्लाह तुझे हमारा रब होने का वास्ता। अल्लाह हमारी टूटी फूटी दुआओं को कबूल कर ले। अल्लाह तुझसे मुझ समेत जिसने भी जो भी मांगा है, सबको सब अता कर दे। अल्लाह तू ही देगा अल्लाह, क्योंकि तू ही दे सकता है, ये तेरी ही शान को लायक है। अल्लाह सबकी सब दुआएं सुन ले, सबकी सब इबादतें निदामतें
और तौबा कबूल फरमा ले। अल्लाह, जिन गुनाहों की वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही वो गुनाह माफ़ फरमा दे। अल्लाह, सबके दिलों के हाल से तू वाकिफ है। अल्लाह, सबकी नेक जायज़ ख्वाहिशात पूरी कर। अल्लाह, सब बेटियों के नसीब अच्छा कर, सब के रिश्ते करा दे। अल्लाह, सब बीमारों को शिफा दे। अल्लाह, सब बे औलाद जोड़ों को नेक तंदरुस्ती वाली औलाद दे। जिसके बेटे की ख्वाहिश है, जिसकी बेटी की ख्वाहिश है, अल्लाह इसे वो सब अता कर दे। सबकी औलाद हो, नेक बना। अल्लाह, हम सबको 5 वक्त का नमाजी बना दे। अल्लाह, हमें दीन की समझ दे। अल्लाह, हमें दीन की समझ दे। अल्लाह, हम सबको कुरान व हदीस का इल्म दे। अल्लाह, इस पर अमल करने और इसकी तबलीग की तौफीक दे। अल्लाह, सबकी परेशानी दूर कर दे। सबके मामलात में आसानी कर दे। अल्लाह रब्बुल आलमीन, हर किस्म की तकलीफें, मुसीबतें, परेशानियां अपनी रहमत के मामला से दूर फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम उम्मत मुस्लिमा के बीमारों को शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम उम्मत मुस्लिमा की, ख़ास कर फ़लस्तीन के मुसलमानों की और मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, और उम्मत मुस्लिमा के दुश्मनों को नीसत व नाबूद फरमा। ऐ मेरे अल्लाह, जिनके वालिदैन अज़ीज़ व क़ारिब और मुसलमान मोमिन व मोमिनात इस दुनिया से रुखसत हो गए, ऐ अल्लाह इन सब की मग़फ़िरत फरमा, दर्जात बुलंद फरमा, जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन दुआ के सुनने वाले तमाम मेम्बरान के लिए माल जान ईमान आमाल इज्जत आबरू रोजी कमाई रिस्क इल्म अमल घर कारोबार पाए माशरत दस्तरखान औलाद जिंदगी खुशी इबादत तखवा इखलास इखलाक सादगी आजिज़ी इनके सारी रहम दिली नरम दिली खुशी दिली और उम्र में बरकतें वसीयतें रफ़ातें उरूज फरमा बुलंदियाँ अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हर किस्म की हसनात दुआओं इबादात को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। हम ईमानी साथी है, दीन के साथी है, इंशाअल्लाह जन्नत के साथी है। अल्लाह हम सब की जायज़ नेक दुआएं कबूल करे। अल्लाह हम सब को माफ़ करे। अल्लाह हम सब से राज़ी हो जाए। ये दुआ बहुत प्यारी है और इसे दूसरों तक पहुंचाए। हो सकता है कि दूसरे लोगों की आमीन से अपनी दुआ कबूल हो जाए। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, ए सारी कायनात के शहंशाह, ए सारी मखलूक़ के पालने वाले, ए ज़िंदगी मौत का फ़ैसला करने वाले, ए आसमानों और ज़मीन के मालिक, ए पहाड़ों और समंदरों के मालिक, ए इंसानों और जिन्नातों के माबूद, ए अर्श आज़म के मालिक, ए फरिश्तों के माबूद, ए इज़्ज़त और ज़िल्लत के मालिक, ए बीमारों को शिफा देने वाले, ए बादशाहों के बादशाह, ए अल्लाह हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे ख़ताकार बंदे हैं। हमारी गुनाह हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा, हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमा। ए अल्लाह हम अपने अगले पिछले सगीरा कबीरा सभी गुनाहों ख़ताओं और नाफरमानियों की माफ़ी मांगते हैं। ए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, हमारी तौबा कबूल फरमा। ए अल्लाह हम गुनाहगार है, सियाहकार है, बदकार है, तेरे अहकाम के नाफरमान हैं, नाशुक्रे हैं, लेकिन मेरे माबूद तेरे नाम लेवा बंदे हैं, तेरी तौहीद की गवाही देते हैं। तेरे सिवा कोई इबादत के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई बंदगी के लायक नहीं है, तेरे सिवा कोई तारीफ़ के लायक नहीं है। हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरे रहमत से बड़े नहीं हैं, हमारे माबूद हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं। तो अपनी रहमत से हमारी गुनाह माफ़ फरमा दे।
ऐ अल्लाह पाक हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पर चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक आमाल करने की तौफीक अता कर जिन आमालों से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह हमें तेरे अहकाम की फरमा बरदारी करने वाला बना और तेरे प्यारे हबीब जनाब मोहम्मद रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नेक और पाकीज़ा आदाब को अपनाने वाला बना दे। ऐ अल्लाह हमारी परेशानियों को दूर कर दे। ऐ अल्लाह जो बीमार है उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा। ऐ अल्लाह जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा करवा दे। ए रब्बुल इज्जत शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ए अल्लाह इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत अता फरमा। ए अल्लाह हलाल रिस्क कमाने की तौफीक अता फरमा। ए परवरदिगार आलम हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है, लेकिन तुझे देना आता है तो हर चीज़ पर खादिर है। ऐ अल्लाह जो मांगा वो भी अता फरमा और जो ना और जो मांगने से रह गया वो भी इनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से अपने करम से कबूल फरमा और जिसने ये दुआ सुनी है और जो आगे बढ़ा और जो आगे बढ़ा रहा है उसकी सारी परेशानियों तकलीफ़ों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत तंदरुस्ती अता कर। ऐ मेरे परवरदिगार पूरी दुनिया में जितने मुआहिदीन लोग वफात पा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा, उन्हें ख़ब्र के अज़ाब से बचा। जो बीमार है या परेशान है तो उनको अपने करम से माफ़ फरमा और उनकी बीमारी और परेशानियों को दूर फरमा। आमीन या रब्बुल आलमीन। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.